हमारा एजेंडा ये है जी, 26 अक्टूबर 10:30 बजे छोटूराम धर्मशाला में जर्जर भट्ठा एसोसिएशन की AGM की मीटिंग बुलाई थी हमने। वहाँ पे करीब 300 भट्ठों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अवेलेबल थे और उन्होंने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी गठन के लिए सुझाव आया, सब ने उसको मंजूर कर लिया और नई कार्यकारिणी का गठन उसी दिन हुआ, जिसमें श्री रामदास डागर को चेयरमैन जजर भट्ठा एसोसिएशन, माई सेल्फ महावीर गुलिया को जजर भट्ठा एसोसिएशन प्रेसिडेंट और श्री जसवीर गुलिया को सेक्रेटरी जजर भट्ठा एसोसिएशन और श्री लोकेश गहलावत को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद में हमने अपनी जो कार्यकारिणी का गठन आज कर लिया है, जिसमें 31 मेंबर हैं जिनको जो है लीड करेंगे श्री मामन गुलिया जी। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जो भी एसोसिएशन की प्रॉब्लम्स, भट्ठों की जो प्रिवेलिंग्स, जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसके बारे में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी ये इस बात की अधिकारी होगी कि कोई भी फैसला ये एग्जीक्यूटिव कमेटी लेगी और उसको फिर हम कार्यान्वित करने का काम करेंगे। कोरोना काल के दौरान भी भट्ठा एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना काल में किसी भी तरीके का हमारा कोई भी कोविड पॉजिटिव केस इस 2 साल के यानी कि COVID-1 और COVID-2 में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया और भट्ठों पे काम भी सुचारू रूप से इस दौरान चलता रहा। लेबर की कोई भी भगदड़ नहीं हुई। हमने अपना पूरा जो टेनोर पूरा करने के बाद पिछले साल भी इस साल भी लेबर को अपनी बसों में अपनी गाड़ियों से सुविधा के अनुसार उनको अपने उनके गंतव्य तक पहुँचाया है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। भट्ठों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल आई हुई है, पॉल्यूशन की NGT का कुछ आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी हमने उसकी रिट लगाई है और जिसकी आज ही सुनवाई थी और उस सुनवाई में आज जितनी भी एप्लीकेशंस थी विभिन्न एप्लीकेशंस को कोर्ट ने एकोमोडेट करके और ये एक ऑर्डर दिया है कि 6 हफ्ते के बाद जो कंसर्न्स डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कहा गया है कि इस नोटिस का जवाब दें। तो कंसर्न डिपार्टमेंट से 6 हफ्ते के बाद में नोटिस का जवाब मांगा गया है और सभी एप्लीकेशंस जितनी भी थी उनको कंक्लूड कर दिया गया है। एक तो ये है, दूसरा हरियाणा सरकार का अभी आने वाले समय में डिपार्टमेंट्स फूड सप्लाई ने ये निकाला है कि जो भी NGT का आदेश था, NGT की कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार हमारे डिस्ट्रिक्ट झज्जर में 286 भट्ठे चलने की इजाज़त है 1 मार्च से लेके और 30 जून के इस स्टिपुलेटेड पीरियड के अनुसार। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कम है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है। उसको देखते हुए कुछ लोग ने हरियाणा सरकार को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब महोदय को अप्रोच किया और वहाँ पर फूड सप्लाई डायरेक्टरेट्स के साथ मीटिंग होने के बाद ये उन्होंने डिसीजन लिया मंत्रालय लेवल पे कि इन भट्ठों को, जितने भी भट्ठे हैं हरियाणा में, उनको 3 पार्ट्स में 1/3, 1/3, 1/3 बना दिया जाए। 1/3 को 1 साल, 1/3 को सेकेंड ईयर्स और 1/3 को 3rd ईयर्स में चलाया जाए। तो अभी कल हम इसी सिलसिले में इन्हीं समस्याओं के देखते हुए, दूसरी हमारी कुछ समस्याएं अभी प्रिवेलिंग समस्याएं हैं। आज भट्ठा उद्योग पहले से ही बहुत मंदी की मार झेल रहा है। इसमें कुछ माइनिंग की बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। माइनिंग्स में हमारे जो ना मिट्टी डलती है, ये कच्चा काम है। मिट्टी की गाड़ियों की धरपकड़ बहुत भारी हो रही है और दूसरा ईंटों की गाड़ियाँ को भी बहुत पकड़ा जा रहा है। पिछले साल भी हमारी कोरोना काल के कारण जो है बिक्री में बहुत भारी दबाव आया, जिस कारण हमारा सारा पूरा साल मंदी की मार झेलता रहा और इस साल भी अभी जो है ना RTO की धरपकड़ जो है ना गाड़ियां दिल्ली से और हमारा जो माल है वो सुचारू रूप से बिक्री नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अभी हम अगेन एक मंदी की मार को झेल रहे हैं। उसके सिलसिले में भी कल हम माननीय BJP अध्यक्ष और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से, हमारा पूरा डेलीगेशन 150 आदमियों का जजर भट्ठा एसोसिएशन का हमारे तत्वावधान में कल उनसे मिले थे हम। उन्होंने वहीं बैठे बैठे भी
सीएम साहब से भी बात की इन प्रिवेलिंग समस्याओं के लिए, तो सीएम साहब ने कहा कि जी दिवाली के बाद में ये मीटिंग रख लेते हैं, धनखड़ साहब आप दिवाली के बाद में भट्ठो एसोसिएशन को हमारे से मीटिंग फिक्स करा लें और हम इन समस्याओं के बारे में गहन अध्ययन गहन विचार करेंगे और जितना संभव हो सकेगा इन भट्ठे वालों की हेल्प करेंगे। किसान आंदोलन के काम जो रस्ते रुके हुए हैं उनसे कितनी परेशानियां हैं? किसान आंदोलन का भी हमारे ट्रेड पर बहुत भारी असर पड़ा है, गाड़ियां जगह जगह रुकी हुई है, जहां भी गाड़ियां अपने गंतव्य जो रिक्वायर्ड जहां पर भी ज़रूरत है, जो सामान की बिक्री हमारी ईंट की बिक्री होनी चाहिए थी वहां जा नहीं पा रही हैं, गाड़ियां डाइवर्ट होके जा रही हैं जिसके कारण जो है ना हमारा किराया बढ़ गया है और भारी समस्याएँ हैं बिक्री में, बहुत पिछले 1.5 साल से काफ़ी हमें नुकसान है। हमने किसानों के प्रतिनिधियों से अपने लेवल पर बात करने की कोशिश की है, सरकार भी इस बारे में बात कर रही है, लेकिन इसका समाधान तो सरकार लेवल पर ही हो सकता है, किसानों के बारे में हम इस बात में कुछ नहीं कह सकते। बहुत अच्छा है जी, एक तो इन किसानों के कारण जो है बहुत ज़्यादा रास्ता रुक गया है, जो जो लोकल्स जो हैं वहाँ के बाशिंदे उनको बड़ी भारी समस्याएं हो रही हैं वहाँ, उनको निकलने में उनको जो है गाड़ियाँ भी एक साइड के रास्ते रुके पड़े हैं जिस कारण जो है लोग जो लंबी दूरी की भी जो गाड़ियाँ हैं वो आने आ जा नहीं रही है, लोकल्स को प्रॉब्लम है, वो जो लोकल्स में जितने भी बिजनेस सेटअप हैं उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है, दुकान वाला है फेरी वाला रेहड़ी वाला भारी भारी नुकसान है उनको। अगर ये रास्ता खुल जाता है किसानों की, हम तो यही मांग करते हैं कि सरकार किसानों की सुने और जो ज़रूरत की बातें हैं ज़रूरत की जो उनकी डिमांड है उनको सुने और जल्दी से जल्दी रास्ता खुलवाएं तो अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा है। मैं महावीर सिंह गुलिया, झज्जर भट्ठा एसोसिएशन प्रेसिडेंट। इसके अलावा भी कोई एसोसिएशन है? जो कार्यकारिणी थी उसमें मैं चेयरमैन था। पिछले 2 सालों के दौरान झज्जर भट्ठा एसोसिएशन की एजीएम की कोई मीटिंग नहीं हुई, एजीएम की मीटिंग ना होने के कारण कोई भी समस्या है, कोई भी एक दूसरे को पता होना चाहिए ट्रेड में क्या समस्याएं चल रही है, आजकल क्या चल रहा है, तो लोगों की जो ना कुछ पता ही नहीं चल रहा था लोगों को क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेडली कहने के बाद भी मीटिंग नहीं बुलाई गई है। पिछले साल भी मतलब कोरोना के कारण जो है इस तरह का संभव नहीं हो पाया, वो तो ठीक था, लेकिन इस साल भी कोरोना का जो ना कोरोना अभी चला गया एक तरह से, बहुत ही जो है डाउन पड़ गया है और जिसके कारण तरह तरह की काम जो है सुचारू रूप से होने लगे हैं, शादी ब्याह में भी इजाज़त मिल गई है कुछ आदमी इकट्ठा होने की, उसी कारण हमने अब की बार भी ये पूछा था कि भाई मीटिंग बुलाई जाए, भाई मीटिंग ना बुलाने की वजह से कुछ लोगों ने ये कहा कि यू आर द चेयरमैन, आप चेयरमैन हैं और आप इसकी एजीएम की मीटिंग बुलाइए, तो रिपीटेडली ये विचार करने के बाद बहुत लोगों से विचार होने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि झज्जर भट्ठा एसोसिएशन की एजीएम की मीटिंग बुलाई जाए, जिसका मैं बिल्कुल अधिकृत रूप से अधिकारी था, मैं उसको बुला सकता था, मुझे पूरा अधिकार था इसका, और जिसको जो कि उस दिन मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी हाजिर थे श्री धर्मपाल सिंह जी। सर एक क्वेश्चन और था, सर्दी आती जा रही है, एसोसिएशन की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, जो मजदूर आएंगे देखते हैं कई बार बच्चे होते हैं गाँव में लस्सी वगैरह मांगने जाते हैं बगैर चप्पल जूते के वो निकलते हैं, इनके लिए कोई ऐसा कदम हो गया इस तरह के समय जहाँ जो बीमारी है गरीब है? सर ये तो हमारा हर साल चलता है अभियान, हर पट्टे पे जो भी जो है जूते हर साइज के जूते मंगा दिए किसी को, जुड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये हर साल किसी बच्चे को नंगे पैर नहीं घूमना दिया जाएगा और सबको जो है ना हर चीज अपनी मौके पर जाते हैं, हम उनको कंबल बिस्तर वगैरह मुहैया कराते हैं, तो ये तो छोटी चीज है, जूते जाते हैं कंबल भी रजाई भी सब हर साल कंबल रजाई उपलब्ध की जाती है, लेकिन एक उसमें साथ हम दबाव में भी हैं, जैसे अभी आज लेबर आती है कल हमारे से खर्चा लेती है और शाम को एप्लीकेशन आ जाती है प्रशासन के पास जी हमारे बंद वापस मजदूर बनाया जाए, उसमें हमारा प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए और आप लोगों को भी सच्चाई को जो है वो रखना चाहिए। इस तरह की घटना अभी लेबर किसी भी भट्ठे पर काम नहीं लगी है, 8 से 10 भट्ठों की आज भी बंद हुआ मजदूरी की जो शिकायतें आती, जबकि कई बार तो ऐसा होता है कि मजदूर लोग अपने घर मेरे गाँव का भट्ठे पे कोई भी आदमी मौजूद नहीं था और हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन डाली, वहां से डायरेक्शन आई सरकार को, डीसी साहब ने अपने नुमाइंदे भेजे, जबकि भट्ठे पे जाएगा तो पाएगा कि भट्ठे पे तो चारों तरफ पानी भरा हुआ था, कोई बंदा ही नहीं था। तो ऐसी एप्लीकेशंस फेक एप्लीकेशंस जो लोग जैसा भी थोड़ा बहुत
एडवांस में जो दिया जाता है बेसिक वगैरह होती है, बेसिक वगैरह होती है वो उसको वो हजम करने का अच्छा करने के चक्कर में, तो वहीं के बेलदार होते हैं तो हम भी थोड़ा जुड़े हैं, उसको हजम करने के चक्कर में फेक एप्लीकेशंस लगाते हैं और उनका वो नाजायज फायदा। इसके लिए आप क्या समाधान चाहते हैं कि उनको इस तरह की जो, हम चाहते हैं कि सरकार के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर जाएं, मौके का मुआयना करें, मुआयना करने के बाद उसमें दो दिन चार दिन हफ्ते का समय लिया जाए और वो अपनी विस्तृत उसमें रिपोर्ट बनाए और जो ऐसे समूह हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कि वो दूसरे आदमी को ऐसे भ्रमित करके उनसे पैसे ऐंठने का काम ना करें। जिम्मेवारी होती है कि जो पेशगी लेने के बाद रात को निकलते हैं परिवार भट्ठे से गायब हो जाते हैं, उसके बाद उनके साथ जो घटना होती है वो भट्ठे वाला ही जिम्मेवार होता है, उसके लिए एसोसिएशन ने कोई कदम उठाया गया ऐसा ना हो जो निकल ना पाए रात को? रात को सर ऐसा है ना, तो हमारे पास चार दीवारी होती है जी। ना कोई और जो यूं किसी को हम जब उनको रोकना शुरू कर दिया भी आप रात को नहीं जाओगे तो यूं कहते हम बंद हुआ बना दिया, हमारी जो लेबर है वो खुले में रहती है जी। उसका जब मर्जी सामान लेने जाओ, बाजार जाओ, कहीं भी जाओ, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इस तरह की पाबंदी अगर हम लगानी शुरू कर देंगे तो फिर वही बात आ जाएगी भी हमें बंद हुआ बनाया जा रहा है, तो उनको आजादी से रहने का पूरा अधिकार है। और वैसे भी भट्ठे की लेबर लगभग 20 एकड़ जमीन में हो है, कहाँ कहाँ आदमी चार दीवारी का और कहाँ कहाँ उनको जो हो गए ऐसा, तो हमारे पास बंद हुआ तो कोशिश ये है कि उनके साथ नहीं है, लाइट का प्रबंध कर दिया भाई, रात को एक चौकीदार भी होता है भट्ठे पे, वो कोशिश करते हैं भाई जो इधर उधर थोड़ी निगरानी कर ले, लेकिन यूं नहीं है भाई तू कहाँ जा रहा है ये पूछता नहीं किसी से भाई, ठीक है जिसको जाना, किसी को बंद हुआ बना के नहीं रखा जाता बिल्कुल।